बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम खवातीनो हज़रात। मोहम्मद बासित नईमी एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड फोक सिंगर हैं फ्रॉम डेरा इस्माइल खान और सराइकी बेल्ट के बहुत ही रेनाउन फोक सिंगर हैं और लाइव शो में गाने की महारत रखते हैं, लाइव शो में लाइव गाते हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। और सराइकी में लाइव उस तरह परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है और ये इसमें महारत रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात, बहुत शुक्रिया। अभी हमने सराइकी कल्चर के बारे में भी आप लोगों से जानना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट ये हैं, इसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे हम आगे जाके मुलाकात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने सराइकी वेडिंग की थीम को आगे लेके चल रहे हैं। एक्चुअली तो वेडिंग नहीं बट मतलब सबको बिठाया हुआ है अपने पास, हमारे साथ ब्राइड भी हैं, ग्रूम भी हैं। आज मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कुछ हल्ला गुल्ला भी होगा, बातचीत भी होगी। जब मेहंदी की बात होती है तो गर्ल्स में हमारे साथ हैं बिया खान, आप हैं बिया खान और अनीजा जो हैं, आज अनीजा जो हैं उनका जो है होगा मेहंदी, और मेहंदी इनकी जो है वो लगाएंगे हामिद, हामिद अकबर जो हमारे मेकअप वीक का भी हिस्सा थे। तो हामिद आगे हमारे साथ नहीं बढ़ पाए, लेकिन हामिद को हमने बुलाया क्योंकि हमें पता चला कि हामिद एक ब्रिलियंट मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं। तो वेलकम हामिद बेटा, और आप अपना काम स्टार्ट कर दें। एक दफ़ा हम बेटे ज़रा हाथ दिखा दें कि हमने मेहंदी लगाई नहीं हुई, ये ना हो कि आप सोचें कि हमने, ये देखें। सो अभी हम मेहंदी लगाएंगे इनके खूबसूरत खूबसूरत हाथों पे, बेस्ट मेहंदी लगानी है हामिद अपनी, ठीक है। तो मेहंदी भी लगेगी, बातचीत भी होगी, हम सराइकी कल्चर के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, सराइकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद आइए बैठिए बॉस प्लीज़। और हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट जो है विकी राजा डांस ग्रुप भी है जिसमें विकी भी हैं, वी हैव मकसूद विदास, वी हैव खालिद, वी हैव साहिल, वी हैव रजाक एंड वी हैव यासिर। तो ये भी हमारे साथ साथ परफॉर्म करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि हमारे शो का रेगुलरली हिस्सा बनते हैं। मैं चाहती हूँ सबका इंट्रोडक्शन करा के ब्रेक के बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपको पैगाम मैंने देना है, उस पैगाम की तरफ हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आ जाते हैं हम दुल्हा दुल्हन की तरफ। वी हैव हसन एज द ग्रूम, BS इंटीरियर कर रहे हैं ये, और हिरा शाह हमारे साथ है ब्राइड, BS मैस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो ब्रिलियंट टिकटॉकर। तो ये हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, अब गर्ल्स की तरफ आ जाते हैं। गर्ल्स में हमारे साथ अंबर न्याजी हैं फ्रॉम मियाँ वाली, जो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मेरी गाइड हैं थ्रू दिस होल थिंग तो ये बात गलत नहीं होगी। ये प्यारे से मुस्कुराते चेहरे से मुझे कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिल रही होती है तो मैं तसल्ली में होती हूँ। पता नहीं मुझे बॉयज साइड पे क्यों बैठा दिया, मैं तो लड़कों लड़कियों वाले की साइड पे थी, लेकिन चलो ठीक है। इनके साथ जीनत भट्ट है, अनदर लवली पर्सनैलिटी, मेकअप आर्टिस्ट एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर। मैंने निजान बिया से तो आपको मिला ही दिया, अब चलते हैं बॉयज की तरफ। तो सर आपसे तो हमने मिल लिया ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देन ऑफ कोर्स वी हैव अ ब्रिलियंट पोएट एंड आर्टिस्ट विद अस, आप शायर भी हैं और आप एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हैं, फ्रॉम लैया, खालिद खयाल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने बाकी बॉयज की तरफ। सर खुश हो जाए, हम आपको बॉय बुला रहे हैं। मलिक फहीम अवान जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान, सदर हैं इसके। देन बशीर हुसैन शाह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान। सर तुसी तो सही वाइस प्रेसिडेंट स्टाइल लत्स नु क्रॉस करके बैठ रहे हो, वेरी नाइस प्रेसिडेंट साहब। हाँ मैं सदके जाऊँ। अच्छा जी, देन वी हैव मंजर बलोच फ्रॉम जंग, वी हैव फरहान जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, स्टूडेंट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, सरमद है स्टूडेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एंड फैज़ान ऑल्सो जो स्टूडेंट है। तो सबके नाम ले लिए, सब डन हो गए। ओके, सब डन हो गए। तो आज हम जानेंगे कि सराइकी मेहंदियों पर क्या होता है, सराइकी खाने में आप सबकी फेवरेट चीज़ें हैं क्या और टिपिकल सराइकी डिशेस क्या होती हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट द सराइकी बेल्ट। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि पंजाबी वीक लोग मना लेते हैं, सिंधी वीक मना लेते हैं, लेकिन सराइकी वीक जो एक इतना बड़ा पार्ट है हमारे पाकिस्तानी कल्चर का, उसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते। और लाइक आई सेड यस्टरडे ऑल्सो कि यूट्यूब पर जाके देखो कि सराइकी पाकिस्तान, तो आपको कुछ नहीं मिलता। दो तीन लोगों ने छोटी मोटी दो मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की हैं जिसपे मैं बड़ी हैरान भी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ
तो ऐसा कंटेंट तो होना चाहिए जहां पे हमें सराय की कल्चर के बारे में पता चले, हमें हर जगह के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, अपने मुल्क की हर जबान के बारे में कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। और सराय की इतनी मीठी जुबान के जब इंसान बोलता है तो वो बात आपको समझ आए ना आए दिल में ज़रूर उतर जाती है, इतनी मीठी इतनी प्यारी जबान। एंड देन सराय की शायरी एज वेल, उसको सुनना ही एक 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 ऑनर है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद एक पब्लिक सर्विस मैसेज मैंने आपके साथ शेयर करना है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है और ज़रूरत है आजकल की। उसके बाद फिर हम अपने वीक को भी कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहां हम अपने सराय की कल्चर को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इस पूरा वीक, वहां पे एक और बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है जिस पे बात करना इम्पॉर्टेंट है और इसको आप एक पाकिस्तान की तरफ ट्रिब्यूट कंसिडर कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के, पूरी दुनिया के वाहिद दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है, मगर केसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं 2021 में। अब पाकिस्तान के 3 रिपोर्टेड केसेस हैं अभी तक पोलियो के 2021 से लेके 2022 तक, अभी तक आज तक की डेट में। प्रोग्रेस जो है ये बड़ी ही फ्रेजाइल है, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि जिन कम्युनिटीज़ में, जिन एरियाज़ में ज़्यादा चांस है होने का पोलियो या वहाँ पे अभी भी केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे ख़ास एहतियात करनी है। वाइल्ड पोलियो जो है वो बार बार डिटेक्ट किया जा रहा है साउथ वज़ीरिस्तान, साउथ केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध, पंजाब, इंक्लूडिंग मेट्रोज के अंदर। हर बच्चा अगर बार बार वैक्सीनेट नहीं होगा, यानी कि अगर आप घर के हर बच्चे को बार बार पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, तो पाकिस्तान जो है उसमें पोलियो नहीं ख़त्म होगा। और ये बड़ी हैरान कुन और अफसोसनाक बात है कि आज भी पाकिस्तान में पोलियो जो है वो इरेडिकेट नहीं हुआ। मीडिया कंटेंट और कैंपेन्स जो हैं उनमें यही कोशिश की जाती है कि लोगों को अवेयरनेस दें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, मुल्तान, मगध, इन शहरों में, फैसलाबाद वगैरह में तो लोग पिला देते हैं पोलियो के कतरे, लेकिन जो थोड़े से एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं या जो ज़रा दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर पोलियो वर्कर्स अगर जाते भी हैं तो लोग इनकार कर देते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से। सबसे पहली बात तो जो मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि झूठे फिंगर के ऊपर मार्क्स ना लगाया करें। बहुत से लोग मार्कर ला के अपने घर में बच्चे की उंगली पे मार्कर का निशान लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने तो पोलियो के कतरे पिला दिए हैं। आप अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। फिर डॉक्टर्स जो हैं, हमारे जो मस्बी स्कॉलर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हम सारे एक ही बात कह रहे हैं, अगर ये पोलियो के कतरे महफूज ना होते तो क्या हम लोग इसको एडवोकेट करते, क्या हम इसको पुश करते। द रीज़न वी आर पुशिंग दिस इज़ बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान में भी ख़त्म हो जाना चाहिए अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपरली इम्यूनाइज कराएंगे, पोलियो के कतरे पिलाएंगे। एक बात जो मैंने बार बार क्लेरिफाई करनी है कि आप 50,000 दफ़ा भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो उनको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पोलियो की वैक्सीन 100% सेफ़ है। उसके अलावा बड़े लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जिनका घर में पहला बच्चा होता है या बच्चा नहीं होता और एक बच्चा हो जाता है फाइनली बड़ी देर बाद, मुश्किल से साहिब औलाद होते हैं, तो वो उस बच्चे को पोलियो के कतरे ही नहीं पिलाते इस डर से कि कहीं कुछ हो ना जाए। खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटा हुआ, बड़ी 2-3-4 बेटियों के बाद, तो उन्होंने बेटों को पोलियो के कतरे ही नहीं पिलाए ये सोच के कि भाई इनको कुछ हो ना जाए। भाई
अगर पोलियो के कतरे डेंजरस होते तो वो गवर्नमेंट लेवल पे कभी भी ना पिलाए जाते। तो अगर आपका गोल्डन चाइल्ड है या प्रेशियस चाइल्ड है या पहला बेटा हुआ है या पहला बच्चा हुआ है, बेटी हो या बेटा, प्लीज़ पोलियो के कतरे उनको ज़रूर पिलाएं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में पाई जा रही है कि लोग कहते हैं कि पोलियो के कतरे हलाल नहीं है। 100% हलाल हैं, इस पे फतवे भी दिए जा चुके हैं, इस बात पे डॉक्टर्स भी क्लैरिटी दे चुके हैं, पोलियो के कतरे हलाल हैं और उनको इस्तेमाल करने से वो जो कहते हैं ना कि इम्पोटेंट हो जाते हैं, इम्पोटेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा कोई इशू नहीं होता पोलियो के कतरों से। और बात सिर्फ ये है कि पोलियो की वजह से आज इसलिए भी बच्चे मुतासर फिर भी हो रहे हैं क्योंकि उनको एक दफ़ा कतरे पिलाए गए, उसके बाद माँ बाप ने कहा ज़रूरत ही नहीं है, फिर उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हमने पिला दिए। जितनी दफ़ा आपके दरवाजे पे पोलियो का वर्कर आए, अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं। और अगर आप तक पोलियो वर्कर फॉर एग्जांपल नहीं पहुंचा या नहीं पहुंच पाया तो खुदारा जाके बच्चे को किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से पोलियो के कतरे पिलवाएं। देखें, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमने अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है, प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। और इसको सिर्फ तब किया जा सकता है अगर हर बच्चे को हर बार दो कतरे पोलियो की वैक्सीन के पिलाए जाएं। आज आपको पता है हमारी थीम बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन हम बात पोलियो पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ के बारे में फील करते हैं कि देखिए, बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए उनको 100% सेहतमंद होना ज़रूरी है, उनके अपने फ्यूचर के लिए भी। और आप जब पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे और खुदा ना खास्ता बच्चे को पोलियो हो गया, फौतगी हो सकती है, सारी ज़िंदगी की मजूरी हो सकती है, शदीद तकलीफ़ से बच्चा फिर सारी ज़िंदगी गुजरता है। और बहुत से लोग जिनको, जो पोलियो से मुतासर हो चुके हैं, पोलियो सर्वाइवर्स हैं, कभी उनसे बात करो तो उनका गिला एक ही है कि यार माँ बाप ने पता नहीं क्यों नहीं पिलाए, पता नहीं ऐसा क्या था जो उन्होंने नहीं पिलाया। उनको तो यही लगता है कि उनके माँ बाप ने उनके साथ ज़्यादती की। और सीधी बात है, हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को महफूज रखें। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे, दो कतरे हर बार पिलाने हैं। और प्लीज़ पोलियो वर्कर से बदतमीज़ी ना किया करें। पोलियो वर्कर्स आपके दरवाज़े पे आते हैं इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में ट्रैवल कर करके आपके दरवाज़ों पे आते हैं, और फिर आप उनसे जब बदतमीज़ी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और झूठ ना बोलें और नकली निशान हाथों पे ना लगाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
सियाल सजना देख बन जान छोड़ दो मुझे ना तंग करो आ जाए और हाशमी साहब का नाम भी आ गया। हाशमी साहब हाशमी मंजन के बाद अब आपका गाने में भी नाम आ गया और सोचे सिराइकी गाने के अंदर। अच्छा तो एक तो बहुत ही खूबसूरत गीत माशाल्लाह और उतनी ही खूबसूरत आवाज, शायद उससे ज्यादा खूबसूरत आवाज। अब आपसे एक सवाल है यंग मैन जी, जी हमारे कल्चर आज हमारे कल्चरल गाइड आप हैं। थैंक यू। तो ये बताइए कि सिराइकी कल्चर के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? जिस तरह पंजाबियों के बारे में होता है, बड़े जिंदा दिल होते हैं, हाइपर से होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और नाराज भी फौरन ही हो। तो पंजाब यू नो हम लोगों के बारे में, पंजाबियों के बारे में, तो सिराइकियों के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? अच्छा, मैं उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा, खास तौर पे ए प्लस चैनल के लिए कि उन्होंने हमारा ये सिराइकियों का एक पूरा हफ्ता हमें दिया, तो उसके लिए मैं स्पेशली ए प्लस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्योंकि ये अच्छा उसके जवाब में मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप सब ने वक्त निकाला और आए, क्योंकि देखें हम कुछ भी प्लान कर लें, मैं सिराइकी कल्चर के बारे में उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं बता सकती जिस तरह जब रमजान ट्रांसमिशन होती है। देखिए मेरा जिस चीज के ऊपर ग्रिप नहीं है, मजहबी उमूर पे मेरा ग्रिप नहीं है, हमारे स्कॉलर्स आके हमें बताते हैं। तो जो सिराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम वो लोग आए हमें कल्चर के बारे में बताए, खाने पीने में जो जो नॉर्मल टिपिकल चीजें होती है कि किस किस्म के त्यौहार होते हैं, किन किन चीजों को आप इंजॉय करते हैं, कौन सी चीजें कल्चर का हिस्सा है, ये हम जानना चाहते हैं ताकि हम भी साथ पार्टिसिपेट करें। अच्छा उसके लिए एक और मैं करना चाहूँगा, क्योंकि सिराइकी कल्चर की बात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि मैं इस पे सिराइकी में बात करूँ। चले जी बताइए। सिराइकी नहीं में होता कि सर कोई भी कल्चर है, सब कुल पहले तो जिस टाइम बंदा देता है तो वो कल्चर का शो थी लग पा है कि केड़ा कल्चर है। मसलन असा एक सिराइकी को दे दें तो सबको पता लगन लग पा है कि सिराइकी है, असा क्या पठान को दे दें तो सबको पहले को पता दे दें सबको पता लग पा है कि पठान। लेकिन सिराइकी जबान जो है ना कुछ पंजाबी की तरह भी लगती है, कुछ उर्दू की तरह भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी जबाने मिल के सिराइकी बनती हैं? अब ये कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता कि कौन कौन सी जबाने मिक्स हैं, लेकिन क्योंकि चाहे सिराइकी हैं चाहे पठान हैं,
जब हम उसको ओवरऑल पाकिस्तान के सतह पे देखते हैं तो हम सब एक ही हैं ना, हम सब हैं तो एक ही, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसीलिए तो हर कल्चर के बारे में जानना जरूरी है ना, क्योंकि सिर्फ पंजाब से मतलब हमें हर एरिया को के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप किस भी कल्चर से बिलोंग करें, हैं तो पाकिस्तानी। अच्छा, जहाँ तक सराइकी कल्चर की, उसमें सबसे पहले जो, जैसे मैं पहले कह रहा था कि देखते ही पता चल जाता है कि ये सराइकी है ना, जो टिपिकल सराइकी होता है ना, तो उसमें हमारा वो खास एक होता है सफ़ेद रंग की एक पगड़ी होती है, तो वो हमारे सराइकियों की एक ख़ास पहचान है। तो आप एक और बात कर रही थी कि बड़े मोहब्बत करने वाले पंजाबी, जैसे आप कह रही थी अभी लाउड और जिंदा दिल, हाँ तो सराइकी भी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल होते हैं, सराइकी भी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हैं, जिंदा दिल हैं और दिल फेंक भी हैं, उनके गाने भी मैंने सुना ये भी मैंने नोट किया कि गाने सारे गाने रोमांटिक होते हैं, राइट के रॉन्ग की मैं बात, आपकी नहीं बात करी, सब सराइकी लोगों की बात करी हूँ। मेरा वोट आपके साथ, आपका वोट मेरे साथ है, मेरे वोट मेरे साथ है। नहीं बाकी होते हैं, बट बहुत ही एक, जब मैं सराइकी लोगों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में आता है बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही नफीस, बहुत ही, मतलब पंजाबी जरा लाउड है, सराइकी उस तरह से लाउड नहीं है। हाँ, हाँ। सराइकी जरा, आप अगर इसी सराइकी में ना जो एक दर्द बयान किया जो सूफिया जिन्होंने लिखे है सराइकी ना, तो उसमें उन्होंने मतलब के खुद को मोनस रखा है, असल में वो तशबीह दे रहे थे रूह के साथ, रूह के साथ उन्होंने जो भी पोइट्री की है ना, तो उन्होंने खुद को मोनस उसमें ना मतलब कि शो किया है, उसमें बड़ा एक सोज गुदास दर्द पाया जाता है ना, बिल्कुल। और सराइकी कल्चर में, अच्छा सराइकी मतलब टिपिकल शादी कैसी होती है, क्या उसकी अरेंजमेंट्स होती है, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, और गुफ्तगू तो हम करेंगे अगले मरहले में, लेकिन उसके बाद फिर ज़रा ये जो सब इतने आराम से बैठे हुए हैं सुकून से, ज़रा इनकी तबीयत भी सेट करेंगे। मेहंदी एक हाथ पे बड़ी खूबसूरत सी हो गई है, हम इतने बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है, ज़रा हम मेहंदी भी दिखाएं अपने व्यूअर्स को, और सेकंड हाथ शुरू हो गया है मेहंदी का, तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। From the break, viewers. अच्छा अंबर नियाजी साहिबा, आप हमें बताएं, सराइकी कल्चर की भी बात हो रही थी, आप क्या ऐड करोगे? सराइकी कल्चर, इसी ये डॉट आपने लगाया हुआ है यहाँ पे, तीन डॉट्स भी लोग लगाते, थोड़ा सा बताओगे? एक्चुअली मेरा पहले से है, तो हमारे ये जो पश्तून कल्चर होते हैं वो तीन डॉट्स लगाते हैं, लेकिन हमारे जो सराइकी कल्चर है उसमें भी मतलब मोस्टली लोग लगा लेते हैं, लेकिन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो लगाएं। बाकी पहले ही आपने बता दिया था सराइकी कल्चर के बारे में, बहुत ज़्यादा, बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत प्यारी ज़ुबान है, तो जो ये है ना सराइकी कल्चर हमारा, ये ना मिक्सचर है बहुत सारे कल्चर्स का, एक जो मुझे लगता है, तो हमारा कल्चर बहुत सिंपल है, मतलब सादा से लोग होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत खलूस वाले, बहुत मतलब एक वहाँ का ये लोगों का ये होता है ना कि वो अपनाइयत शो करते हैं सबको, मतलब अगर आप भी आएंगे चाहे पंजाबी हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जो भी हो, तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, और खाने पीने में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें क्या हैं? हर हर कल्चर की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हमेशा चौक से, जिस तरह फॉर एग्जांपल कश्मीरियों में शब्देग एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा बात की जाती है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वहाँ पर मीठा ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, मीठे लोग मीठा खाते हैं, मीठी जुबान है तो मीठा ज़्यादा। इवन यहाँ पे अगर ईद पे शीर खोरमा बनता है तो वहाँ पे सिर्फ हलवा बनता है मीठे में, तो okay. वहाँ पे हलवा ज़्यादातर, ये जो एक हमारे वहाँ पे होती है पंजीरी, उसका हलवा, ये वाले हलवे बहुत मशहूर है। हाँ, मैं पंजीरी बड़ी पसंद है, खुदा का वास्ता मुझे भिजवा दो, आप बता दें हम ले आएंगे आप प्लीज़, मुझे बड़ी पसंद है पंजीरी। हाँ क्या,
इलाके का। अच्छा मुझे ये बताएं और क्या क्या खाने पीने में? और उसके अलावा जहाँ पे देग बनती है ना, तो हमारे इलाके में मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में कटवा, कटवा, तो उसके अंदर सालन तैयार होता है, बीफ का भी मटन का भी, तो वो एक स्पेशल है वहाँ पे, और लकड़ी के ऊपर बनता है, और वो चूल्हा वगैरह नहीं होता है, इस तरह ईंटे जो करके ना उनके ऊपर मिट्टी लगा के। कुन्ना भी ऐसे ही बनता है ना? हाँ तकरीबन ऐसे ही बनता है। हाँ। तो ये हमारा वहाँ का बहुत फेमस है, और हमारी शादी भी यही चलता है। और यहाँ पे जो रोटी होती है आपकी तरफ तो नान होते हैं, हमारी तरफ चपाती होती है बड़े साइज की, बड़ी सी तप्पा जिसको हम अपनी जबान में तप्पल कहते हैं, हमारी जो जबान में इतनी बड़ी के चप्पल के साइज काफी बड़ी होती है। हाँ। उसके ऊपर जो है ना दो तीन रोटियां आती हैं बड़ी मुश्किल से। वाओ, ओके। दो आती हैं बल्कि दो आती चार आती हैं। हाँ दो तीन आ जाती हैं उसके ऊपर, वो वहाँ की ना जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये वो स्पेसिफिक चीजें हैं जो शायद सिराइकी कल्चर से ज्यादा वाबस्ता है। वैसे तो सिराइकी कल्चर में सारी मतलब पाकिस्तान में सारे ही एक दूसरे के वो ब्लेंड कर जाते हैं एक दूसरे के कल्चर्स के अंदर, राइट? बट अच्छा आपसे मैंने एक सवाल पूछना था, ये दो ढोल क्या होता है? दो दो क्या, एक मैं बताती हूँ, ढोरा क्या होता है? ढोड़ा। ढोड़ा ये होता क्या है? ढोड़ा ये मेरे साथ शायर भी बैठे हैं खालिद ख्याल साहब, बेहतर तशरीह तो यही करते हैं लेकिन थोड़ा सा नया जो मेरे मतलब माइंड में है। चार लाइनों में लिखा जाता है ढोड़ा, चार लाइनों में ना आपने सारा मफहूम पेश करना है जो आपकी कहानी सारा रोमांस आपने चार लाइन जरूरी नहीं रोमांस हो। अच्छा हाँ जी, दुखड़ा भी हो सकता है, रोमांटिक दुखड़ा, दुखड़ों से भरी पड़ी है दुनिया, ढोड़ा होता ही दुखी है, ढोड़ा होता है। चले कुछ दुखड़ा सुना दे। चले मैं सुनाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि और बाय द वे व्यूअर्स नोट कीजिएगा, इनकी आवाज माशाल्लाह माशाल्लाह लाइव में एक्चुअली पता चलता है कि इनका कितना माशाल्लाह टैलेंट है। मैं कहती हूँ ये वो वाली पर्सनालिटी इनको रिकॉर्डिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी नेचुरल आवाज इतनी प्यारी है। जी वे चंगे चंगे रुल गए असा केड़ी शै आ गल सोच के ते चुप रह गए। आपने फरमाइश की है दौड़े की, शाकिर शुजा आबादी साहब हमारे सरायकी खित्ते के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर, जितना कहूँ कम है, उनका लिखा हुआ दौड़ा। इश्क पिनाया वक्त देशान असा केड़ा रोवणाए अपनी वफावानू असा गरीब नाले बंदे सीधे जया गल सोच के ते चुप रह गए। मेरा मुखिया वे रोला मैं खू जिंदगी में मुल पे गए मैं नचावती ताड़ी
अच्छा भाई, अब हमने इन दोनों टीम्स का कराना है डांस कंपटीशन और देखना है इस साइड पे बॉयज होंगे उस साइड पे गर्ल्स होंगे और देखेंगे कि बेहतर कौन करते हैं। मिठाई खानी है, फुल वाली खानी है, फुल वाली खानी है, ये लें। असल मेरा फेवरेट कौन सा वाला? अच्छा चले पिंक कलर, चले अच्छा वेरी नाइस। ये सबर करो मुझे मिठाई लेने दो। अच्छा चलो, तुम तो खा चुकी हो नहीं, ले लो, चलो खा लो मिठाई, खा लो थोड़ी सी अपनी जान बना लो क्योंकि अब हमने करना है कंपटीशन। अच्छा ये तब से इस पे नजर रख के बैठी हुई है, मुझे पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा आप अपनी, अच्छा चलो, मीठा वैसे जनरली सराय की कल्चर में बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा चलो जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं। हमारी दुल्हन मिठाई खाने से इनकार कर रही थी, फिर मैंने कहा बाकियों को खिला देते हैं, मिठाई जाया नहीं करनी, बजट में से निकली है। अच्छा अब सीन ये है कि हाँ, बॉयज में से कौन आएगा, गर्ल्स में से कौन आएगा? ये दोनों गर्ल्स इधर आ जाए और यहाँ से बॉयज में से कौन करेगा भी, जिसको आता है डांस, हमारी नाक ना कटाना हम अपनी। हाँ कौन? मंजर, आजा मंजर, इसको नहीं आना, कुछ आया सर। दो लोग, दो बॉयज यहाँ पे कम्पीट करेंगे, दो गर्ल्स यहाँ पे करेंगी। और एलिगेंट और डिसेंट, एलिगेंट और डिसेंट, इनडिसेंट नहीं हमने होना, जिस तरह फैमिलीज पे मेहंदियों पे होता है डांस, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, पहले लड़कियों से, पहले लड़कियां करेंगी उसके बाद बॉयज आएंगे, तुम अपने तैयार कर लो अपना पार्टनर, ठीक है? ओके आ जाओ दोनों गर्ल्स। हाँ चलो, 1 2 3 गो। मेरे बच्चे की मेहंदी खराब हो गई, लेकिन हमारा बच्चा देखो आउटफिट कितना प्यारा है माशाल्लाह। और ये देखो पड़ांदा, पड़ांदा, पड़ांदा वैसे ही मेरा बड़ा फेवरेट है, पड़ांदा मेरा बच्चा बड़ा ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलो जाओ अब साफ हो जाओ। ओके आपकी टीम से हमें दो लोग चाहिए, कौन से दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे? कम ऑन, उठ भी जाओ यार, नहीं आता तो उसको फॉलो करो। चलो आओ आओ, चलो इधर उठो। आए हाय लड़कों को अब मैं क्या करूं, लड़के ज्यादा शर्मा रहे हैं। आ जाओ ना यार, उसको फॉलो करना है सिर्फ, आ जाओ ना बेटा, आ जाओ चलो, 1 2 3 एंड गो। I'm not afraid to die.
माशाल्लाह लड़कों की टीम इतनी नालायक थी कि मैं चुल्लू भर पानी ढूंढ रही थी ताकि सब एक एक डुबकी लगा लें उसके अंदर, लेकिन क्योंकि अब ये नहीं हो पाएगा तो हम दोनों जजेस ने फैसला किया है कि विनिंग टीम है लड़कियों की। मतलब तो खुद ही तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे की नाक कटाई है, शर्मिंदगी की बात। वाइस प्रेसिडेंट को उठाया। अच्छा ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब इतने फेमस शायर हमारे साथ हैं तो कुछ शेर व शायरी भी सुननी है आपसे सर, कुछ गाने भी सुनने हैं, और हमने सोचा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जरा पंजा लड़वाएंगे ब्रेक के फौरन बाद। वो कह रहे डन हो गया, अगला जो है वो एक अच्छे डांस करने वाली पर्सनैलिटी से आज हम पंजा लड़वाएंगे ब्रेक के बाद। पड़ गए हैं तो हमने कहा कि भाई जो लड़ाई करनी है ऑनर करो, हमारी भी कोई एक डेढ़ कतरा रेटिंग बढ़ जाए, ठीक है ना। कांप रहे हैं आपके मुर्शिद के, अच्छा हाथ कांप रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं उनके पीर भी हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इनकी कहानी है, ए प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है लेकिन है वो इनके पीर साहब, कुछ बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। मुझे तो सिर्फ पता है पा फहीम और पा बशीर जो है वो एक दूसरे को पढ़ गए हैं। अच्छा पा एंड पा, अब आपने करना ये है कि जीतना है पंजा लड़ाना है और ये कोनिया नहीं उठनी, ठीक है। 1 2 3 ओए फहीम कंट्रोल 1 2 2 2 चेहरे दा रंग लाल सजना प्रेसिडेंट साहब जीत गए, शायद इसलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब को अपनी सीट की टेंशन थी, लेकिन आपको कहते ना कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा तो सर जी कुछ अपना लिखा हुआ सुना दे, लेकिन पहले उसकी तशरीह का, पहले तशरीह करें उसकी, क्या सुनाएंगे? असल में जो कल्चर की बात हो रही है ना, तो ये जो गजल के कुछ अशआर हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये उसी कल्चर पे ही है, ठीक है। मीन हर शेर में हमारा सरायकी का थोड़ा थोड़ा कल्चर नजर आएगा। सच दी राह ते लावण वाले किनते गए हैं, सच दी राह ते लावण वाले किनते गए हैं, गोडे नाल बिलावण वाले किनते गए हैं। वाह वाह क्या कहने। सच दी राह ते लावण वाले किनते गए हैं, गोडे नाल बिलावण वाले किनते गए हैं, चुप कर बचड़ा अल्लाह सोना खैर करे सी, चुप कर बचड़ा अल्लाह सोना खैर करे सी, रोंदे बाल रहावण वाले किनते गए हैं। क्या बात। और आज भी चिड़ियां टोकरे उत्ते आ बांधियां हैं, आज भी चिड़ियां टोकरे उत्ते आ बांधियां हैं, ठिगड़ियां बन उड़ावण वाले किनते गए हैं। आज भी चिड़ियां टोकरे उत्ते आ बांधियां हैं, ठिगड़ियां बन उड़ावण वाले किनते गए हैं। और जुगन शेर देखिएगा के मन जो मैल है ताही ता अख चू मैल नहीं वेंदी, मन जो मैल है मेन के अंदर जो है ना वो मैल है, इसलिए मन जो मैल है, मन जो मैल है ताही ता अख चू मैल नहीं वेंदी, कौड़ा सुरमा पावण वाले किनते गए हैं। मन जो मैल है ताही ता अख चू मैल नहीं वेंदी, कौड़ा सुरमा पावण वाले किनते गए हैं। और ये हमारे सरायकी का एक बहुत पुराना कल्चर जो बल्कि ये कह लें कि ख़त्म हो चुका है कि भूल नहीं सकदा अखी दे विच साबण वजना। लाला जी क्या बात।
भूल नहीं सकता अखी दे विच साबण वजना नलके हेठ धवावण वाले किंते गए हूँ। भूल नहीं सकता अखी दे विच साबण वजना नलके हेठ धवावण वाले किंते गए हूँ। और आखिरी शेर के सोना पा के वत भी असा पीतल क्यों है, सोना पा के वत भी असा पीतल क्यों है, ए एहसास दिवावण वाले किंते है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा मैडम ये बताइए दीनत साहिबा कि आप तो एक इवेंट मैनेजर है और आप खुद तो सराइकी कल्चर से नहीं बिलोंग करती बट आप बहुत ज्यादा काम करती हैं सराइकी लोगों के साथ, तो कुछ बताओगे कि इवेंट्स वगैरह जब प्लान करती हो तो किस किस्म के इवेंट्स होते हैं शादी के स्पेशली? सराइकी एक या दो दफ़ा मैंने इवेंट किया है और बहुत सादा से लोग और उन्हें इतना नहीं है कि डिकोर करें ये, मतलब जिस तरह हमारे पंजाब में किया जाता है, मतलब लड़की को होता है कि मेरे ड्रेस के साथ मेरी डिकोर मेरी जो स्टेज है वो अच्छा सा जो है ना वो डिकोर हुआ हो। और सराइकी में ये है कि ज़्यादातर घर में जो है ना वो इवेंट करते हैं क्योंकि उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो ज्यादा शामिल होते हैं ना उनकी शादी में। और मुझे बाय द वे सराइकी कल्चर की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि देखे लोगों के ऊपर फोकस होता है, लोगों पे तवज्जो होती है, इस चीज पे तवज्जो नहीं होती कि कितने महंगे फूल लगाए हैं तो कितना महंगा। ये नहीं है कि टेबल सजी होनी चाहिए इस पे ऐसा हो ये, मगर उनका ये है कि बुजुर्ग जो है ना वो होने चाहिए और वो घर में ज्यादा करते हैं। जो ब्राइडल का ड्रेस होता है उस पे होता है फोकस, बाकी सब सिंपल ड्रेस उनकी सिंपल ड्रेसिंग होती है, मतलब बड़ा अच्छा उनका मतलब खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं, अपना मुकाबला नहीं लगाते। हाँ मुकाबला नहीं किया उसने ये बना है या उसकी शादी पे ऐसी डिकोर हुई है तो हमारी भी है, ये बिल्कुल भी नहीं है, हमारे इधर है रिवाज। बड़ा मीठा और प्यारा और सादा कल्चर माशाल्लाह। और हम अपने सब सराइकी भाई बहनों को अपना प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। अगर आप कॉल करके भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं शो में, अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो तो इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट जब हमारे साथ हैं तो फिर मोहम्मद बासित नईमी से कुछ सुनते हुए वापस आएंगे लाइव ब्रेक के बाद। जी हाँ बहुत ही ब्रिलियंट बहुत ही टैलेंटेड मोहम्मद बासित नईमी हमारे साथ है। आपने पहले गीत सुनाया, ब्रेक में इतनी फरमाइशें आ गई कि उन्हें कहें कि मजीद और कुछ सुनाएं, तो अपना कोई फेवरेट गीत हमें सुनाएं, अपना फेवरेट। जी ये जो मोहतरम खालिद ख्याल साहब बड़े अच्छे पोएट, जब से मैंने म्यूज़िक शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह इनका मेरा साथ चल रहा है, अल्लाह करे हयात चलता रहे। बस आप आपको गीत इनायत करते रहते हैं, हमें कुछ नहीं गिफ्ट किया आज तक। जी जरूर आपके लिए गिफ्ट है। कहाँ है? अच्छा पहले गाना सुनना है या नहीं? मैंने पहले गिफ्ट लेना है बस, सॉरी गिफ्ट की बात आ गई तो फिर हाँ। गाना तो रह जाएगा। किधर अभी मेरा गिफ्ट? भाई खफा तो नहीं आ गया ना जी? एक कमाल, ठीक है जी बिल्कुल, पहले गिफ्ट पक्का ना देना गिफ्ट, उधर पूछ रहे हैं उनको तो नहीं पकड़ाना अपने गिफ्ट। ये क्या है? ये देखिए जरा इसमें क्या हो सकता है। आपने भी उसको एल्फी से जोड़ा हुआ? मैं नहीं एल्फी नहीं है। अरे बच्चों की तरह खोलती हूँ। ओए ये क्या है? ये तो आपने कुछ पेंट फूट किया हुआ है, कुछ बनाया हुआ है आपने? ये अभी आप कह रहे थे ना कि सराइकी कितनी मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, तो ये एक सराइकी की मोहब्बत का सबूत है। सराइकी की मोहब्बत का सबूत है? हां जी ये देखिए ना, कोई रोमांटिक सा तोहफा है? नहीं नहीं रोमांटिक तो नहीं है। ओए होए How beautiful! Thank you so much. Welcome. Beautiful. Thank you so much. ये तो घर में फौरन जाएगी और मुझे वैसे ही आर्ट का बहुत शौक है, मैं तो कलेक्ट करती हूँ आर्ट, तो थैंक यू सो मच, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। ये देखे व्यूअर्स कितनी खूबसूरत इन्होंने स्केच तैयार किया है। थैंक यू थैंक यू। और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी के लिए भी कि उनका स्केच तैयार किया जाए। थैंक यू सो मच बॉस, ब्लेस यू ब्लेस यू। बहुत बहुत ही प्यारा और बहुत ही थॉटफुल तोहफा, थैंक यू। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद वैसे आप जो भी करेंगे वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, लेकिन चले
अब आपकी बारी, ड्यूटी है पूरी करनी है, ड्यूटी पूरी करनी। तो शाह साहब का लिखा हुआ गीत है, मैंने 2008 में रिकॉर्ड किया था, उस वक्त कैसेट का दौर था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, कोई चंद अशार आपको सुनाते हैं। बल दे ना बुझा बहुओं का थी से, बहुओं का थी से होवे पार समंदरों, खालिद यार नहीं भूलदा, आख गए लोग सियाने समंदरों, खालिद यार नहीं भूलदा, आख गए लोग सियाने पहला प्यार नहीं भूलदा, पहला प्यार नहीं भूलदा, क्यों ही भूल गया बहुओं का किसे, हर बंदा भी मुखलिस नहीं ना, हर कोई ढोल शीना बहुओं का थी से, संगता ना वधा बहुओं का थी से। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, भाई आपने उसको कैसेट का दौर किया, सीडी का दौर था लड़के, 2008 में का कैसेट का दौर नहीं, था कैसेट, कैसेट का दौर थी, उस वक्त थी कैसे, मुझे क्या पता, मैं तो सो पैदा भी नहीं हुई थी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नजरिया डोला में दम किया वे रोला में खू, जिंदगी में मुल पे गए, मैं नचावती ताड़ी मार के, मैं नचावती ताड़ी मार के, मैं नचावती ताड़ी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एक ना हमवार वाकया दरपेश आया है। फारूकी साहब सेट पे हमारे साथ हैं, बैठ जाओ वापस, वापस बैठ जाओ मंजी पे, हिले तो मार खाओगे। ये हैं फारूकी साहब, सेट पे जो भी ख़राब होता है, जो भी इश्यू होता है, अल्लाह का बड़ा करम है, सब इनके ज़िम्मे होता है, जिसने अंडे टमाटर स्क्रीन पे फेंकने हैं वो इनकी तरफ एम करके फेंके। अब बात करते हैं उस रॉयल कॉर्नर की जिसमें हम आ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं रॉयल के सारे ही प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फैबुलस होते हैं, रॉयल की स्मार्ट लाइफस्टाइल एसी डीसी इन्वर्टर सीरीज फैंस की, वैसे तो इनके जो रेगुलर फैंस हैं वो भी बिल्कुल अमेजिंग हैं, सारे मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं, लेकिन जो इनकी रॉयल की स्मार्ट लाइफस्टाइल एसी डीसी इन्वर्टर सीरीज है, इसमें फ़ैन की स्पीड थ्रू रिमोट 7 डिफरेंट स्पीड्स पे आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने घर का सजाना जो है वो अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। मर्द हजरात जो हैं वो अक्सर प्लेन वो सिंपल वाइट वाले फैंस जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद बंदा यही सोचता रहता है कि यार बाकी घर का डेकोर तो बहुत अच्छा है बट फैन उस क्वालिटी का नहीं लगाया जो लगाना चाहिए। सो लाइट्स के साथ फैंस, वुड फील के साथ, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टेक्सचर्स के बहुत अमेजिंग फैंस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हैं, www.royalfans.com।
अच्छा, रॉयल ने बहुत ही आसान कर दी है, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, घर आपके आके डिलीवर हो जाएगा। रॉयल की ये वॉशिंग मशीन भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, कोई इसमें इशू आता है अंडर वारंटी, घर आके आपका जो मशीन है उसको ठीक कर दिया जाएगा उनकी जिम्मेदारी पे। तो रॉयल की वॉशिंग मशीन RWM8012T, इसकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, थ्री वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली कम इस्तेमाल करता है, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको ड्यूरेबल भी बनाती है और उसको शॉक प्रूफ भी बनाती है, और उसके साथ साथ स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि पानी और डिटर्जेंट उतना ही यूज़ होता है जितना ज़रूरी होता है, वेस्टेज नहीं होती, ड्यूरेबल मोटर और उसके साथ रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी जो इसको एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। एंड फाइनली रॉयल का रूम कूलर, आई लव द रॉयल का रूम कूलर। मैंने घर में पहले 2 लिए थे, अब वो 4 हो गए हैं, क्योंकि इतने अच्छी उसका आपको रिजल्ट मिलता है, आपकी लिविंग स्पेसेस अच्छी खासी ठंडी हो जाती हैं, आप अपने लिविंग रूम में चलाएं, अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलें, आपका बेडरूम भी ठंडा हो जाता है। सो जिन लोगों के लिए एसी के बिल्स अफोर्ड करना मुश्किल है और जो जनरली परेशान होते हैं गर्मी में, उनके लिए रॉयल का रूम कूलर एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, सस्ता भी है और उसके साथ साथ क्योंकि उसमें एयर फिल्टरिंग की और उसमें आइस पैक की और कूलिंग की एलिमेंट इन्वॉल्व है तो बाकायदा एसी वाली ठंडी हवा देता है। सो www.royalfans.com पे जाएं और अपने लाइफस्टाइल को रॉयल बनाएं। और अब आ जाते हैं वापस अपने मेन स्टेज की तरफ, जहां पे हमारे साथ कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है थ्रू द होल ट्रांसमिशन, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, विकी और उनके पूरे ग्रुप का तो हमने शुक्रिया अदा करना ही है, लेकिन ये जो सारे लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे सुपरस्टार सिंगर, हमारे ब्रिलियंट शायर और आर्टिस्ट, प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आर इवेंट मैनेजर्स, आर टिकटॉकर्स, आर सेलिब्रिटीज़, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हामिद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आप आए और हमारे जो हम एक मेहंदी का एक फील देना चाह रहे थे उसको आपने कंप्लीट किया, क्योंकि आपके बगैर उसे इनकम्प्लीट होना था। और हामिद के बारे में ये ज़रूर बताऊंगी, इज़ अ वेरी टैलेंटेड सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी टैलेंट मेहंदी आर्टिस्ट, और जनरली भी बड़े अच्छे पेंटिंग और आर्ट वगैरह करते हैं। इन्होंने वादा किया था एक ज़माने में मुझे कि दिखाएंगे अपना आर्ट, तो किसी टाइम मुझे दिखाना ज़रूर है, हाथों पर तो मैंने देख ही लिया है। सो आई होप के व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम एंटरटेनिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव भी था। हमारी कोशिश यही थी कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, थोड़ा सा सराइकी कल्चर के बारे में आप भी जानें, आप भी देखें। कोशिश करेंगे कि कुछ इमेजेस और तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करें अपने अगले प्रोग्राम्स के अंदर, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि किस किस्म की फेस्टिविटीज़ होती हैं। बल्कि हमारे साथ ये सारी टीम है, दूल्हा दुल्हन भी जो हमारे साथ हैं क्यूट से, मेरी ख्वाहिश ये कि आपके पास भी अगर कोई तस्वीरें या इमेजेस हैं ना पर्सनल किसी ओकेजन्स की, कोई फंक्शन वगैरह, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं कि इस किस्म का एहतमाम होता है, इस किस्म के फंक्शंस होते हैं, दुल्हन ऐसे तैयार होती है, दुल्हा ऐसे तैयार होता है, जस्ट ताकि मज़ीद और ये फील। तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये आपके साथ शेयर करें। जाते जाते आपसे सॉन्ग सुनना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप जो सॉन्ग अभी सुनाने वाले हैं उसके बारे में आपने हमें कुछ अमेजिंग सी न्यूज़ देनी थी। जी बिल्कुल, ये फ्रेश सॉन्ग है, आज कल में रिलीज़ होना है, तो इसके शुरुआत में आपके चैनल से कर रहा हूँ A+। कितना बड़ा हमारे लिए ऑनर है कि इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म से अपने सॉन्ग को लॉन्च करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको, इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, टिकटॉक पे भी हैं आप? बिल्कुल, टिकटॉक पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बल्कि मैंने अपने टिकटॉक पे इनको टैग किया, सो फॉलो हिम। पहले वाले इनके अकाउंट को कुछ हो गया था तो ये नया हमने अकाउंट बनाया और ऑलरेडी 400 के करीब इनके फॉलोअर्स हो गए हैं। तो इनको फॉलो करें, इनके काम को पसंद भी करें, और व्यूअर्स, जो करेक्ट तरीका है म्यूज़िक को सुनने का उसको सुने, आर्टिस्ट के राइट्स को ना ख़राब किया करें। मतलब दूसरे एरिया से डाउनलोड करके किसी और का लिया हुआ आप लोग यूज़ करना शुरू करते थे, जो प्रॉपर तरीका है उसको प्लीज़ फॉलो किया करें। सो इस सॉन्ग को किसने लिखा है, किसने बनाया है, सारा कुछ? मियांवाली से ताल्लुक है पोएट का, हसरतुल्लाह हसरत नाम है उनका, तो उन्हीं का सॉन्ग है, उनका सॉन्ग है। और जाते जाते एक दफ़ा फिर से शुक्रिया इस बहुत ही खूबसूरत तोहफे का, थैंक यू, इट्स अ लवली लवली गिफ्ट, एंड काश मैं असल में ऐसी होती, लेकिन थैंक यू फॉर द, बहुत शुक्रिया, वेरी खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसी तो दीवार पे चिपकी हुई होती, दीवार पे चिपकी होती, वैसे कितना अच्छा होता अगर मैं खुद वहाँ पे चिपकी हुई होती। नहीं, हमारी तब से जेड़ा झाड़ी शुरू हुई हुई है। ओके, सो अपने शो को क्लोज करते हैं बहुत सी दुआओं, बहुत से प्यार के साथ। हम लोग कल फिर हाजिर होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन कल ज़रा इन लोगों को प्रॉपर मैं गेम्स भी खिलवाऊंगी और देखती हूँ कि क्या करते हैं। डांस कॉम्पिटिशन में लड़कियाँ जीत गईं और इधर सदर साहब जीत गए, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसके पास सदर की सीट है वो वाइस प्रेजिडेंट से जीतेगा ही ना। अगर वाइस प्रेजिडेंट जीत जाता तो सदर साहब की
जिंदगी टेंशन में आ जानी थी, इन्होंने मेरे सामने ऐसे करके ना किया था इससे पहले कि मेरा मुंह भी विंगा हो जाए। शो को क्लोज करते हैं बहुत ही दौर प्यार के साथ, वी आर सेलिब्रेटिंग द ब्यूटीफुल सराइकी कल्चर। क्लोज करते हैं आपके न्यू सॉन्ग के साथ जो एक दो दिन में प्रॉपरली लॉन्च भी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, आइए। थैंक यू जी, थैंक यू। ढोले नुका छुड़ी वाग अस देना मुंह दी वने देना दिल दी दस देना ढोले नुका छुड़ी वाग अस देना सोना सोना आखो से ता चढ़ा दी वैसी सोना सोना आखो से ता चढ़ा दी वैसी हिस्से बिंद नहीं देवनी नहीं तो औखा साडे प्यार दा पहाड़ा जीवसी सोना सोना आखो से ता चढ़ा जीवसी सोना सोना आखो से ता चढ़ा जीवसी नहीं विना